असलकम आज का टॉपिक स्पाइनल कार्ड सी फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे स्पाइनल कार्ड स्पाइनल कार्ड इज इन फैक्ट अ ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व्स स्पाइनल कार्ड नर्व्स का एक बंडल एक गुच्छा होता है ट्यूबुलर इसकी कॉमन एग्जाम्पल देखें जैसे एक इलेक्ट्रिक वायर होती है और उसके अंदर काफ़ी बरीक मजीद वायर्स होती हैं और उसके इर्द गिर्द एलैमिनेशन होती है, है. जैसा कि एक वायर का स्ट्रक्चर बनता है वैसे ही एक स्पाइनल कार्ड होता है इट स्टार्ट फ्रॉम ब्रेन स्टेम ये ब्रेन स्टेम से स्टार्ट होता है मीन्स के मेडोला ऑब्लीगेटा एक्चुअली स्पाइनल कार्ड मेडेलो ऑब्लीगेटा का ही बड़ा हुआ हिस्सा होता है एंड एक्सटेंड टू लोअर बैक और एक कमर के निचले हिस्से तक मौजूद होता है और स्पाइनल कार्ड्स के अंदर सेल्स इनको न्यूट्रेंट कौन प्रोवाइड करते हैं इनकी प्रोटेक्शन फर्स्ट प्रोटेक्शन कौन करते हैं वो करते हैं मनंजिस मनंजिस मेम्ब्रेन होती है जो स्पाइनल कार्ड के इर्द गिर्द मौजूद होती है जैसे वायर के इर्द गिर्द एलिमिनेशन होती है फिर उसके बाद स्पाइनल कार्ड एक फ्रेजाइल नाजुक स्ट्रक्चर है इसकी प्रोटेक्शन करता है वर्टिबल कॉलम जो स्पाइनल कार्ड के इर्द गिर्द मौजूद होता है इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें स्पाइनल कार्ड की जो आउटर रीजन होती है वो वाइट मैटर कहलाती है वाइट मैटर इसलिए कि इसके अंदर जो एक्जोन मौजूद होते हैं उनके ऊपर माइलिनेटेड शीट मौजूद होती है जिसकी वजह से वो वाइट नजर आते हैं स्पाइनल कार्ड की जो सेंट्रल रीजन है वो बटरफ्लाई शेप होती है और इसने सेंट्रल कनाल इसके सेंटर में एक स्ट्रक्चर होता है उसे कवर किया होता है कि जो सेंट्रल रीजन है ये ग्रे मैटर कहलाती है ग्रे मैटर्स की बनी हुई होती है मींस कि इसके अंदर न्यूरॉन्स की जो सेल न्यूरॉन्स की सेल बॉडी मौजूद होती हैं इस वजह से इसका कलर जो है वो ग्रे एक्सप्रेस होता है स्पाइनल कार्ड से थर्टी वन पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व जो हैं वो निकलती हैं और बॉडी के अंदर पूरी बॉडी के अंदर फैल जाती हैं वो और इनके अंदर मिक्स नर्व्स होती हैं इसका मतलब ये है कि इन नर्व्स के अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स भी होते हैं और मोटर न्यूरॉन्स भी मौजूद होते हैं तो हम पहले नर्व्स की टाइप्स के अंदर डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि मिक्स नर्व वो वाली होती हैं जिसके अंदर सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों इसका मजीद इस मार्फोलोजी हम देखते हैं स्पाइनल कार्ड का वो वाला पॉइंट जहाँ से स्पाइनल नर्व अराइज होती हैं वहाँ पर टू रूट्स बनती हैं स्पाइनल नर्व्स एक उसकी जो अपर रूट्स है वो कहलाती है डॉर्सल रूट और उसके अंदर सेंसरी एग्जोन्स होते हैं और उसके साथ साथ गेंगलियन भी मौजूद होते हैं गेंगलियोन वो वाला स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर न्यूरोस की सेल बॉडीज इकट्ठी हुई होती हैं उनका ग्रुप मौजूद होता है वो गेंगलियन कहलाता है और स्पाइनल कार्ड की जो लोअर रूट्स है वो वेंटर रूट्स कहलाती है और उसके अंदर मोटर न्यूरोन्स के एक्जोन होते हैं यहाँ पर हम इसकी एनाटॉमी देखते हैं यह स्पाइनल कार्ड का ट्रांसफर सेक्शन उसे सेंटर से काटा हुआ है यहाँ पर इसकी डॉर्सल रूट है ये अपर साइड पर होती है और इसकी लोअर साइड पर वेंटर रूट होती है जो डॉर्सल रूट है इसके अंदर सेंसरी न्यूरो होता है सेंसरी न्यूरोस की सेल बॉडी एक जगह पर इकट्ठी हुई होती हैं वहां पर एक राउंड स्ट्रक्चर बनता है जिसे गेंगलियोन कहते हैं और अगर हम इसके लोअर रूट की बात करें इसके अंदर मोटर न्यूरो होते हैं और फिर इसके अलावा स्पाइनल कार्ड का जो आउटर रीजन है वो वाइट मैटर कहलाता है और जो सेंट्रल रीजन है इसकी मरकरीज रीजन है वो ग्रे मैटर कहलाती है और इसके अंदर मौजूद होते हैं इंटर तो है ओवरऑल एनाटॉमी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इसका हम फंक्शन देखें किस तरह से परफॉर्म करती है जो डॉर्सो रूट है जिसके अंदर सेंसरी न्यूरोन है ये रिसेप्टर से मैसेज लेकर जाती है टू द स्पाइनल कार्ड फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज़ को छू रहे हैं वहां से जो मैसेज जाएगा वो डॉर्सो रूट के थ्रू स्पाइनल कार्ड की तरफ जाएगा स्पाइनल कार्ड या खुद उसे प्रोसेस करेगा या फिर उस मैसेज को ब्रेन के पास भेज देगा वहां से जो मैसेज आएगा वो मैसेज वेंटर रूट के अंदर जो मोटर न्यूरोन है वो कैरी करके ले जाएंगे अफेक्टर की तरफ अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि स्पाइनल कार्ड से टू रूट्स राइज होती हैं ऊपर वाली डॉर्सल और नीचे वाली, वाली वेंटर जिसके अंदर मोटर न्यूरो होते हैं आफ्टर सम डिस्टेंस ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाती हैं मिक्सड नर्व्स यहां पर बना देती है जिसके अंदर सेंसिट न्यूरो भी हैं और मोटर न्यूरोन्स भी हैं अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें इट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन बॉडी पार्ट्स एंड ब्रेन ये बॉडी पार्ट्स और ब्रेन को जोड़ने का काम करते हैं स्पाइनल कार्ड क्या करते हैं ये नर्व इम्पल्स को बॉडी से ब्रेन और ब्रेन से बॉडी पार्ट्स की तरफ ट्रांसमिट करते हैं और इसके अलावा स्पाइनल कार्ड कोआर्डिनेटर्स के तौर पर भी एक्ट करते हैं और ये कुछ जो रिफ्लेक्सेस हैं उनको कंट्रोल करते हैं रिफ्लेक्सेस मींस कुछ नर्व इम्पल्स इनवोलेंट्री मींस के हमारी विल हमारे ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होती वो स्टिमुलस वो मैसेजेस और बड़े ही क्विक होते हैं उनको ये कंट्रोल करते हैं फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छूते हैं तो हमारा हाथ फौरन वहाँ से पीछे हटता है और वहाँ जो हाथ हमारा पीछे हटता है उसे स्पाइनल कार्ड कंट्रोल करता है और ये रिफ्लेक्सेस कहलाते हैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज है स्पाइनल कार्ड की तकरीबन फोटी सेंटीमीटर लेंथ होती है और अगर, अगर हम इसकी विर्थ की बात करें ये हमारे हाथ के थंब जितना जो है इसकी विर्थ होती है तो ये था जी आज का टॉपिक स्पाइनल God, Allah is.